Thank you so much. Would you like to say something, Bishop? Please, I'd like to say something. Sure. मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि इसका मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अपने भाई से मुलाकात होगी. He says he is very nervous because he never knew that he would meet me again. ये बात उस समय की है जब मेरा लोकल पादरी साहब ने बताया कि हमने न्यूजीलैंड में हिंदुस्तानी लोगों के लिए एक पास्टर को ढूंढा है इंडिया से. This is like when my pastor told that we have found one pastor for the Indian people to preach to them. तो हम लोग सोच रहे थे कि ये खुदा की नियमत है कि जहां से हमारे पुरखे लोग आए हैं वहां से हमको एक पादरी मिलेगा जो हमको सही मानों में ये बताएगा कि परमेश्वर की जो इच्छा है किस तरह से पूर्ति होती है. They were looking for a pastor, Indian pastor who will teach them about God's word. इसलिए जब हमारे लोकल पादरी साहब ने बताया कि हमको पास्टर थॉमस गिल मिले हैं जो हमारे बीच में आकर के प्रचार करेंगे 6 हफ्तों तक, तो हमें खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. So our local pastor said that we have found Pastor Thomas Gill will be coming to preach for 6 weeks in our campaign. So we were so happy and overjoyed. ये जो समय होता है, ये हर इंसान को नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत से चुने हुए लोगों को मिलता है. तो हम बहुत खुश थे कि हमें ये अवसर मिला और इसकी फायदा हमको मिलेगा कि हम अपने पूर्वजों के देश से एक पादरी साहब को उनकी जुबानी सुनेंगे कि वो किस तरह से अपना प्रचार करते हैं. तो ये बहुत बहुत अहम बात और बहुत खुशी की बात होती है जब हमें कोई हमारे भारत देश से आकर के हमको मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है. और इस समय मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप इतने तादाद में हमारे भाई बहन, माँ बाप, बच्चे सब इकट्ठे हैं और हम आपको देख करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम भारत में आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आपकी इतनी सुंदर गिरजाघर को देखेंगे. ये मेरी खुशनसीबी है और मेरे परिवार के लिए भी ये खुशनसीबी है, क्योंकि मेरी पत्नी, मेरी बहन की, मेरी पत्नी की वाइफ, बहन, मेरी पत्नी की बहन और मेरे जीजा की बहन. तो ये माफ करना अगर कुछ गलती हो गई हो, हंसने के लिए भी कुछ होना चाहिए, मसाला होना चाहिए ना, मसाले से तो खाना में स्वाद आता है. तो इसीलिए मैंने ऐसा कहा, जानबूझ कर कहा. चलो, तो मेरे प्रिय भाइयों,